student, class 8. I am studying exercise CG.1. आज पढ़ना CG.1 में पंगा को चल दिया कि find the value of the letters in the following. Value उसका क्या होता है कि कुछ letters जिसे दिए गए हैं and given reason for the stem involved. उसके stem का register उसका reason बताना है कि उसकी जगह पर एक एक का value जो भी है B है C जो भी दिया है उसके value जो भी रखा जाएगा किस प्रकार रखा जाएगा. जैसे मान लीजिए 3, 10, 1, 5, 1 और यहाँ 1, 5 और 2 यानी ए प्लस 5 = 2 दिया. यानी ए की जगह हम क्या रखेंगे कौन सा नंबर रखेंगे कि यहाँ 2 होगा. जाहिर सी बात है कि 2 है तो 2 डाइड होगा नहीं यानी विल आया होगा. ठीक तो बिल्कुल बिल्कुल लिखा गया होगा. इसमें हम पुटिंग क्या भरेंगे पुटिंग नंबर ए के जो वैल्यू होगा 1 से लेकर 7 के बीच में ही कोई नंबर होगा. ठीक है यानी 7 हम सो एंड गेट की वी दी पहले सब की अगर 7 यहां रखते हैं तो 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 होगा. 12 का क्यूब क्या होगा इन बीच और प्लस क्या होगा प्राप्त होगा. तो ए प्लस 5 इक्वल टू 12 ए इक्वल टू 12 माइनस 5 ए इक्वल टू क्या हो गया 7. यहां हमने क्या बता दिया 7 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 हो गया. 12 का 2 कैरी तो बचा होगा ना. क्या करेंगे अन पुटिंग टू एंड कैरी ओवर यानी ये कि आप पुटिंग 2 है इसका कैरी बचा होगा तो वो क्या कर देंगे वी गेट एंड कैरी इसमें बी में 8 कर देंगे 5 + 6 यानी बी की वैल्यू क्या आने हो जाएगी 6 हो जाएगी. ऐसा होने में फिर उसी प्रकार ए मल्टीप्लाई में आएगी किया 1 ए से जब दिया 1 से जब ये दिया फिर यहां 1 से जो दे ए से भी मल्टीप्लाई करना. ठीक तो यहाँ ए का वैल्यू निकालना है एंड ऑन पुटिंग ए के जो वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी के बीच में होगा. ठीक है ए जो भी दिया दोनों सेम है तो ए का वैल्यू जो भी होना चाहिए सेम होना चाहिए और ए का वैल्यू सेम है दिया उसका मल्टीप्लाई करें तो उसका जो डिजिट का नंबर होता है वो भी ए ही आना चाहिए सेम ही आना चाहिए. ठीक तो हमने अगर मान लीजिए इसमें से अगर सी समझ लेते हैं ए का वैल्यू पहला इनपुटिंग सो एंड गेट ई इन बी 1 पहले से 6 अगर हम इसमें 6 लेते हैं 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 36 होता है यानी 1 पहले से क्या होगा ना यही है. सो इस प्रकार हम करते हैं a = क्या 6 × 6 = 36. ये हमारा इसके 1 से जो क्या है 6 है ना यानी a = ने क्या मान लिया 6 यानी हालांकि पूरा 6 यहां पे 6 यहां पे 6 यहां पे 6 आ गया. ठीक इस प्रकार हेंस a = क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा. उस प्रकार एक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें भी 2ab यानी कि ab1 यानी ऊपर वाले में 1 से जगह b है और 10 जगह पर 1 है नीचे देखिए 10 से जगह b है और 1 जगह 100 जगह पर a इसकी वैल्यू से निकालना है. एज आर पुटिंग b इक्वल टू हम मान लेते हैं यहां 7 जब 7 में 1 को ऐड करेंगे तभी हमारा 8 होगा. ठीक है 7 यहां b इक्वल टू हमने क्या मान लिया 7 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 इसमें नो कैरी कोई कैरी नहीं है. तो अब यहां देखिए नाउ ए इक्वल टू 4 देन 4 प्लस 7 इक्वल टू यानी यहां बी का मान हमारा जो 8 निकल गया. ठीक है 8 निकल गया तो यहां क्या होगा मान लीजिए ए का वैल्यू हमको निकालना है ए यहां अगर 7 होगा तभी कैरी आ गया होगा और ए इक्वल टू 4 देन यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा इक्वल टू 11 देन 11 आया होगा तभी ये जगह है ए 11 का 1 लिखा गया होगा. ठीक है सो इस प्रकार क्या होगा पुटिंग 1 10 यानी 1 10 इज क्या किया गया गेट किया गया इसका क्या ठीक तो एंड 10 प्लस 11 कैरी ओवर 1 गेट इन तो उसमें से अपना इसका कैरी एक जो बचा 10 में से वो क्या किए 100 क्योंकि यहां 11 का 1 ही है इसका कैरी बचा ही होगा. तो जो कैरी 10 में जो बचा है देखो कि 10 पहले से 10 पहले से ये कैरी वाला बचा एंड कैरी ओवर 1 उसको उस कैरी को बी गेट यानी इस वाले में 100 वाले का करते हैं 100 पहले से में एक करते हैं तो ये 2 हमारा पहले था और ये का वैल्यू हमारा 4 निकला था. ये 2 प्लस 4 1 क्या हो गया 7 यानी ये क्या हो गया यहां बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 यानी हेंस ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 7. इसी प्रकार एक पूरे साइड में इस तरह क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए और मर करके ग्रुप में सेंड कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट कीजिए. बाकी इसका जो भी क्वेश्चन होगा अगर प्रॉब्लम होगी तो सेंड करेंगे तो उसको सॉल्व करके फिर आपको दिया जाएगा.